हेलो दोस्तों दोस्तों मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, हम लोग जब सीपीयू को रिबल करेंगे उस टाइम हम लोग के पास में क्या क्या टूल्स होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे एक मदरबोर्ड देख लो। इस मदरबोर्ड का मॉडल है पोको X3। इस आईसी को अगर हम रिबलिंग करने जाएंगे तो क्या क्या टूल्स हम लोग का पास होना चाहिए इसके बारे में आज बात करेंगे, और ये सीपीयू को भी रिवोल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले सीपीयू का साइड में कुछ ब्लैक पेस्ट बाहर आता है, इस ब्लैक पेस्ट को हम लोग को काटना पड़ता है। यहाँ पे दो टाइप का कटर है मेरे पास, यहाँ पे देखो। इस कटर से पोको X3 में अच्छा से काम करता है, और ये पोको X3 प्रो में ये जो ब्लेड है बहुत ही पतला है, ठीक है, और ये थोड़ा सा मोटा है। पोको X3 प्रो में क्या होता है, उसमें जो ब्लैक पेस्ट बाहर आता है और सीपीयू का साइड में बहुत सारे छोटा छोटा कंपोनेंट लगा रहता है, तो उसमें अगर मोटा ब्लेड हम लोग यूज़ करेंगे तो कंपोनेंट भी साइड हो जाता है, निकल के आता है, तो इसलिए उसमें हम लोग यूज़ करते हैं ये ब्लेड को। इस ब्लेड का मॉडल है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, 0001। ठीक है, ये ब्लेड हम यूज़ करते हैं पोको X3 प्रो में, और X3 में ये ब्लेड यूज़ करते हैं। ठीक है, 007, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। और ये हो गया ब्लेड का बात। अभी स्टेंसिल कौन सा यूज करते हैं पोको X3 में और X3 प्रो में? ठीक, यहाँ पे देखो, ये जो स्टेंसिल है ये हो गया पोको X3 का, और भी बहुत सारे फ़ोन में ये स्टेंसिल काम करेगा। जैसे इसमें सीपीयू लगा है कौन सा, SDM710, SM7150 और SM6150, SM6125। इसके स्टेंसिल का मॉडल है OV4 V2.0। ठीक है, ये हो गया पोको X3 का, और ये है सैमसंग का, लगभग सभी मॉडल में ये काम करता है, ये कॉमन स्टेंसिल है। ठीक है, इसका मॉडल है EU3V4.0। ठीक, और ये हो गया आपका पोको X3 प्रो का, और भी बहुत सारे फ़ोन में ये यूज़ होते हैं, वन प्लस का काफ़ी सारे मॉडल में यूज़ होते हैं, रियलमी में बहुत सारे मॉडल में यूज़ होते हैं। इसका मॉडल है SM10V2.0। यहाँ पे देखो, तो ये होगा स्टेंसिल का। आपके पास ये तीन अगर स्टेंसिल होगा तो लगभग बहुत सारे फ़ोन में आप रिपेयरिंग करने सकेंगे सीपीयू के काम में। ठीक, और ये जो ग्रीस सोल्डरिंग वायर है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गुड क्वालिटी है, इसको यूज़ करके देखो, इतना क्लीन साफ होता है, एक बार देखो फिर मालूम चलेगा। ठीक, अभी हम काम करेंगे इस फोन में, अब देख लेना किस तरह से ये साफ होता है। ठीक, और ये जो ब्लेड है यहाँ पे देखो, इसका मॉडल है रिलीफ का है, RL0498। इससे हम क्या करते हैं, जब रिवोलिंग करते हैं उस टाइम ये जो पीपीटी है 183 डिग्री, थोड़ा सा इस तरह से लेना है और स्टेंसिल के ऊपर में भरना है। ठीक है, इस तरह से भरते हैं, ये वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा वेट करो। और यहाँ पे देखो, ये ब्लेड यूज़ करते हैं हम, दो टाइप के ब्लेड यूज़ करते हैं, आपको दिखाएगा अभी। यहाँ पे देखो,
ये सर्जिकल ब्लेड है, यहाँ पे देखो 15 नंबर और 11 नंबर, ठीक है। ये 15 नंबर ब्लेड सबका पास में होना चाहिए। जब भी आप सीपीयू को रिबुलिंग करते हैं, अगर उसका जो बॉल है छोटा बड़ा बन जाता है, फिर इस ब्लेड सी मदद से हम लोग से काट के, मतलब जब बॉल छोटा बड़ा बन जाता है फिर इस ब्लेड से काट के हम लोग सही करते हैं, ठीक है। कभी कभार आईसी में ऐसा हो जाता है, फंगस लगने की वजह से ब्लैक ब्लैक पॉइंट बन जाता है वहाँ पे, फिर उसके वजह से रिबोल नहीं होता है, फिर ये 11 नंबर ब्लेड से थोड़ा सा खरोस के हम उसको सही करते हैं, ठीक है। ये होगा ब्लेड। और बहुत सारे भाई मुझे कमेंट करते हैं आप पेस्ट कौन सा यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखो UV223 मैकेनिक का है, इसी को हम शुरू से यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, दूसरे को अलग सा लगता होगा, मुझे अच्छा लगता है। और भी बहुत सारे भाई मुझे कमेंट करते हैं, भाई आप कौन सा थिनर यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखो ये थिनर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, रुको थिनर बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको और भी कुछ देखना है तो मुझे कमेंट करके बोलना, आपको हम दिखाएगा। और भी मेरा कौन सा ब्लर यूज़ होते हैं, कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ होते हैं, आपको इमेज में देखने के लिए मिल जाएगा वीडियो में, देखो स्टेंसिल कौन सा है, मतलब किसी भी स्टन कौन सा है, बहुत सारे चीज़ आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, तो फुल वीडियो देखना। तो चलो दोस्तों अभी इसको रिवोल्व करते हैं और क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं यहाँ पे देख लेना। तो चलो दोस्तों अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये जो पीसीबी स्टन है यहाँ पे देखो इसका मॉडल क्या है, 585X, काफ़ी अच्छा है, बहुत वेट है इसमें, लगभग हाफ किलो पार कर देगा शायद, काफ़ी वेट है इसमें। ब्लोअर मेरा ये यूज़ होता है यहाँ पे देखो, ये जो ब्लैक पेस्ट है इसको रिमूव करेंगे 200 हिट में रख के, ठीक है। यहाँ पे देखो यार, देखो कितना है टाइप मेरा, यहाँ इतना यार में ये काम होता है, ठीक है। जैसे आपको बताया है ये थोड़ा सा मोटा ब्लेड है, ठीक है, इस ब्लेड से हम काम करेंगे। यहाँ पे देखो माइक्रोस्कोप का पिक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे देखो ये ब्लेड से ये पोको एक्सट्रीम में अच्छे से काम करेगा, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ज़्यादा प्रेशर देने से आपका जो ट्रैक वगैरह है ना, ये ट्रैक खराब होने का भी चांसेस रहता है, तो इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्का हाथों में आपको करना है। इसी तरह से अगर करेंगे तो आपका हर एक काम सक्सेस होने का चांसेस रहेगा।
आज का डेट में सीपीयू का काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन अभी सीपीयू का काम लेके आता है। कुछ भी फॉल्ट हो तो सीपीयू से दिक्कत होता है लगभग काफ़ी सारे फ़ोन में। तो इस तरह से साइट का जो ब्लैक पेस्ट है उसको मैंने साफ किया है। अभी यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे देखो, ये एमओई का ब्लेड है, डी सीरीज़ का ब्लेड है, ठीक है। इस ब्लेड से ये सीपीयू को हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। देख लेना किस तरह से निकलना है। अभी ब्लोअर का हिट रहेगा 330, 335 इस तरह रहेगा, ज़्यादा हिट नहीं देना है। एक्चुअली सीपीयू को निकलना चाहिए 300 हिट में रख के। उसमें क्या होता है, काफ़ी टाइम लगना पड़ता है, लगभग आपका जो सीपीयू है ये रिमूव हो जाएगा लगभग 8-9 मिनट के बाद में, 300 हिट अगर रखेंगे तो। और ये 330, 335 अगर हिट रखेंगे तो लगभग 2 मिनट, 2.5 मिनट के अंदर में ये सीपीयू निकल जाएगा। और सेफ 300 हिट सेफ है, देखिए 300 का ज़्यादा अगर रखते हो आप लोग तो फिर उसमें रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाता है और काम हो जाता है। ऐसा भी बात नहीं कि नहीं होता है, होता है। किसी किसी फ़ोन में आपको फिर एमएमसी को भी रिबल करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा हीट आपने दिया है इसके वजह से। और आपको बताना मैंने भूल गया है, ये जो प्रॉब्लम है इस फ़ोन का, ये डेट प्रॉब्लम है, ठीक है, ये ऑन नहीं हो रहा है। अच्छे से हीट करो और वेट करो, थोड़ा सा 2 मिनट तक वेट करो, ठीक है। ऐसी का साइट में कुछ बॉल बाहर निकलने लगेगा, फिर हम ब्लेड यूज़ करेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर ब्लेड यूज़ करेंगे आप तो फिर आपका जो ट्रैक है ये ट्रैक टूट जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, आईसी की साइड में अगर बॉल बाहर आता है तो फिर आप ब्लेड को यूज़ कर सकते हो और आईसी भी रेडी हो जाएगा निकलने के लिए, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना फुल वीडियो को। देखो लगभग 2 मिनट हिट हो गया है, 2 मिनट का ज़्यादा ही हो गया होगा। देखो अभी भी नहीं निकल रहा है, ठीक है। जब तक अंदर से बॉल कुछ बाहर ना आ जाए तब तक ट्राई मत करो, ठीक है। या तो अंदर से पेस्ट बाहर ना आ जाए तब तक, ठीक है। कुछ ना कुछ तो बाहर आएगा, फिर मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई ये रेडी हो गया है। यहाँ पे देखो साइड में, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बॉल बाहर आ गया है। अभी इसको रेडी कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे देखो रिमूव हो गया है बहुत ही आराम से, एक भी पॉइंट आपका टूटेगा नहीं। अंदर का जो भी बॉल है यहाँ पे देखो, हर एक बॉल सेफ है, ठीक है, हर एक बॉल सेफ है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ही वेट करना पड़ता है आपको, हड़बड़ी में करेंगे तो फिर आपका ये जो बॉल है ये ट्रैक निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हड़बड़ी नहीं करना है। तो अभी इसको कैसे क्लीन करते हैं, क्लीन करना और भी आसान है। इसमें जो ब्लैक पेस्ट देख रहा है ये क्लीन करना और भी आसान है। आपको अभी दिखाएगा, यहाँ पे देखो कंटिन्यू वीडियो देखो, थोड़ा सा UV 223 जो पेस्ट है जो हम यूज़ करते हैं ऐसे लगाने का टाइम में भी, बैठाने का टाइम में भी, हर एक काम करने का टाइम में, ठीक है, या तक चार्जिंग पिन लगाने का टाइम में भी जो ये पेस्ट यूज़ करते हैं UV 223,
अभी आपका आयरन का हीट होना चाहिए 330। दोस्तों अभी जो ये ब्लैक पेस्ट है इसको साफ करने के लिए आप लोग ब्लोअर को भी ऐड कीजिए। एक हाथ से ब्लोअर को पकड़ना है लगभग 200 हीट में रख के, और आयरन का हीट रहेगा इस टाइम 330, ठीक है ना। 330 बेस्ट है। और धीरे धीरे करके हल्का हाथों में यहाँ पे देखो, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। जो भी बॉल लगा है यहाँ पे इसको पहले साफ करना है, ठीक है। पहले साफ करना है इस तरह से। यहाँ पे देखो सारे बॉल आयरन में आज आ गया है ना, यहाँ पे देखो। अभी क्या करना है, 200 हिट ब्लोअर में रखना है और एयर रहेगा 5, और आयरन से थोड़ा सा दबाना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही दबाना है यहाँ पे कुछ इस तरह से। और आपका आयरन का जो बीड है कुछ इस तरह का होना चाहिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। और आयरन का हीट चल रहा है अभी 330, यहाँ पे देखो। यहाँ पे देखो किस तरह से ये साफ हो गया, ठीक है। किसी भी फोन को आप इस तरह से काम कर सकते हो, ठीक है। किसी भी फोन को इस तरह से काम करो, सक्सेस होगा। यहाँ पे देखिए एक भी कॉइन डैमेज नहीं हुआ है, हर एक कॉइन अच्छा है, सेफ है ना। अब क्या करना है, थोड़ा सा यूवी 223 पेस्ट जो है इसको यूज़ करना है, और ये डिसोल्डरिंग वायर जो है इसको यूज़ करेंगे अभी। आयरन का हीट उतना ही रहेगा 330, और ज़्यादा बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है हल्का हाथों में। यहाँ पे देखो दोस्तों किस तरह से ये साफ होता है, यहाँ पे देखो बहुत ही मस्त ये डिसोल्डर वगैरह है, ठीक है। मुझे तो बहुत पसंद आया। मेरा ख्याल से ये वीडियो देखने के बाद में आप शायद हर एक फोन को रिपेयर करने सकेंगे, अगर सिंगल सीपीयू है तो। देखो सीपीयू का काम करना इतना बड़ा बात नहीं है, ये हो गया प्रैक्टिस, ठीक है। अब जैसे फोल्डर को रिप्लेस करते हैं उसी तरह ये सीपीयू का काम भी है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज का कोई जरूरत नहीं है। बस आई तो कर दी।
ব্যস্ত আসছে तो अभी देखते हैं कितना साफ हो गया। अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो फिर दोबारा करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख लो कितना बढ़िया सब हो गया है। यहाँ पे देख लो है ना, परफेक्ट। कहीं पे लग रहा है क्या छोटा बड़ा है? देखते हैं अच्छे से। नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है, कहीं पे छोटा बड़ा है। ठीक है, अभी जो सीपीयू है इसको कैसे ब्लैक पेस्ट को हटाए है ना, ये तो और भी आसान है। यहाँ पे देखो, आपको अभी बताया ना मैंने, ये फोल्डर को जैसे आप लोग रिप्लेस करते हो सेम वही काम है ये। एक बार अगर आपको सही ट्रिक मिल जाता है ना, तो फिर आप किसी भी फोन का सीपीयू को भी रिवोल्व कर सकेंगे। और इसमें ट्रिक कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो कुछ टूल्स चाहिए आपको, छोटा छोटा टूल्स जो मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में। ये टूल्स अगर आपके पास में अवेलेबल है तो फिर आप 100% कर सकेंगे। ये डी सीरीज का ब्लेड है, एमओई का। आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, गूगल में सर्च करके देख लेना। और अभी मेरा ब्लोअर का हिट चल रहा है 320। ठीक है ना, फिर देख कितना आसान है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे देख, हो गया ना साहब, जो भी ब्लैक पेस्ट था वो सारे निकल गया है। आप क्या करना है, डिसलर वायर से इसको अच्छे से क्लीन करना है। यहाँ पे देख, थोड़ा सा पेस्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, UV223। आयरन का हिट वही रहेगा 330। थोड़ा सा यहाँ पे टिश्यू यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे देख लो, और थिनर यूज़ करेंगे, डुको थिनर। अच्छा अच्छा साफ होता है, यहाँ पे देख लो। देखो दोस्तों किस तरह से ये साफ हो गया है। अभी बहुत ही बढ़िया, अभी रिबोलिंग करेंगे। रिबलिंग करना और भी आसान है, आपको दिखाएगा अभी इस तरह से रिबल होता है। प्लेट चाहिए आपको OV4V2.0। ठीक है,
SM7150 यहाँ पे सीपीयू नंबर है। अच्छे से बैठाना है और अभी ये ब्लड काम करेगा अभी, ठीक है। रिलीफ का है RL049A, ठीक है। और मेरा PPT है 183 डिग्री, मैकेनिक का है। आप लोग चाहे तो दूसरा कंपनी भी यूज़ कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लेना है इस तरह से और डाइस में बैठ लगाना है, जो भी सेद है इसमें भरना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अभी इसको क्लीन कैसे करना है इस तरह से, यहाँ पे देखिए। हो गया। अब क्या करना है, ट्वीजर से जस्ट पकड़ना है प्लेट को, कोई भी एक ट्वीजर ले लो, इस तरह से पकड़ना है। अभी ब्लोअर का हीट रहेगा 320। थोड़ा सा दूर से कूलर को यूज़ करना है, ज़्यादा नज़दीक लेके मत आओ, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके देखो, हर एक बल्ब बन जाएगा। यहाँ पे देखो बल्ब बन गया है, ठीक है, बहुत ही आसान है। जब तक ठंडा ना हो जाए तब तक मत निकलना, थोड़ा सा वेट करना। अब देखो ये बल्ब बन गया है, फिर से एक बार आपको ब्लोअर यूज करना है, ठीक है। आप एक काम करना, आपका जो स्टेंसिल है, अगर एक स्टेंसिल से लगभग आपने 100 CPU को रिबल किया है, फिर उस स्टेंसिल को चेंज करो, ठीक है। उसको बार बार यूज मत करो। अगर 100 CPU रिबल होता है फिर उसको चेंज करना चाहिए। अभी बैठाना है, बैठाना और भी आसान है। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा UV223 पेस्ट आपको लगाना है, फिर उंगली से इस तरह से फैलाना है हर एक बॉल में, ठीक है। फिर सीपीयू को बैठाना है, आपको देखना चाहिए ध्यान से सीपीयू का पिन किस तरह है, उसी तरह से बैठाना है, ठीक है। और हर एक मदरबोर्ड में ये निशान रहता है, आपको सीपीयू कैसे बैठाना है। यहाँ पे देखो, साइड में दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा इधर आएगा अंदर की तरफ। हाँ, आ गया थोड़ा सा। बढ़िया से बैठ गया है। अभी MMC को कवर करना है, फिर ब्लोअर का हीट रहेगा वही 330-335, उतना हीट रखो जितना में निकला है, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देखने का बाद में सीपीयू को रिबुलिंग करने नहीं सकेंगे तो मेरा ख्याल से आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो अगर कहीं पे अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अगर फेसबुक पे देख रहे तो प्लीज़ शेयर कर देना। और मैंने फेसबुक पेज न्यू क्रिएट किया है बिग मोबाइल रिपेयरिंग नाम से, आप लोग चाहें तो वहाँ पे जाके फॉलो करना, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मेरा पहले वाला जो पेज था बिग मोबाइल रिपेयर, वो तो हैक हो गया, आप सबको मालूम है।
अभी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ना UB223 पेस्ट जो है ये यूज़ करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा साइड में लगा दो थोड़ा सा। और आपको चेक करना है ट्वीजर से, थोड़ा सा टास्क करके चेक करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ ऐसे टास्क करना है, देखना ऐसे क्या हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है, यहाँ पे देखो ऐसे हिल रहा है ना, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है दोस्तों, सिर्फ टास्क करना है, यहाँ पे देखो हो गया, इसका मतलब ऐसे अच्छे से बैठ गया है। चलो दोस्तों फटाफट चेक करते, देखते हैं क्या ये फ़ोन सक्सेस हुआ कि नहीं। थोड़ा सा ठंडा होने के लिए वेट करेंगे। दोस्तों मैंने ये सीपीयू को रिबूलिंग करने का टाइम में क्या क्या टूल्स यूज किया है आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बोलना, मैंने क्या क्या टूल्स यूज किया है। और ये जब तक ठंडा ना हो जाए तब तक आपको बैटरी नहीं लगाना है, ठीक है? अच्छे से ठंडा करो फिर बैटरी को लगाओ। अभी भी थोड़ा बहुत हीट है, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अभी सबसे पहले चार्जर लगा के चेक करेंगे, यहाँ पे मालूम चल जाएगा ये सेट ऑन हुआ है कि नहीं, ठीक है ना? आपको चार्जर लगाना है पहले, फिर बैटरी कनेक्टर को लगाना है। अगर एम्पियर बनता है, यहाँ पे देखो ऑन हो गया सेट, ठीक है दोस्तों? बहुत ही आसान ट्रिक है, अगर आप लोग ये वीडियो को सही से देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग हार मानेंगे, हर एक फोन को रिपेयर करने सकेंगे। हाँ कभी कभार ऐसा हो जाता है, बहुत सारे फोन सही नहीं होता है, वो बाई मिस्टिकली दो एक फोन होगा आपसे, लेकिन 99% आपका फोन सक्सेस होगा। ये वीडियो काफी लंबा हो गया है लेकिन आपको फुल जानकारी मिला इस वीडियो में। यहाँ पे देखो साउंड भी आ गया, ठीक है, सब कुछ अब हो रहा है। तो चलो दोस्तों फटाफट लाइक करो, फेसबुक पे देख रहा है तो शेयर करना, और मेरा ये न्यू पेज बहुत जल्दी 10,000 फॉलोअर बना देना। चलो यहाँ पे किसी को मोबाइल भेजना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।